प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल इंदौर दौरे पर आए, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने वायरल वीडियो मामले में चुप्पी तोड़ते हुए इस तरह की हरकत करने वालों पर मानहानि का मुकदमा लगाने की बात कही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक व्यक्ति एक वेयर हाउस के सामने खड़े होकर बता रहा था कि ये कृषि मंत्री कमल पटेल का है। उन्होंने राजनीति में आने के बाद किसानों को लूटकर हजार करोड़ की संपत्ति बना ली है। युवक ने मंत्री के खिलाफ सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग की थी। वहीं अब वायरल वीडियो पर कृषि मंत्री कमल पटेल का जवाब आया है। बिल्कुल, देखो लोग ना सटिया गए हैं, पगला गए हैं, और इसलिए अनर्गल आरोप लगाते हैं, बेबुनियाद झूठे आरोप है। मैं इन पर भी मानहानि करूंगा, और उसके बाद में उनकी हालत क्या हुई जो राहुल गांधी की हुई वो वैसी उनकी हुई। इसी के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल ने अलग अलग मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव गरीब और किसानों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं अटल जी के बाद, जिन्होंने किसानों की सर्वाधिक चिंता की है। किसान की आय दोगुना हो, किसान खेती घाटे से लाभ का धंधा बने, किसान की आय दोगुना हो, उसके लिए सारे प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और आरबीसी 664 जिसके तहत राहत दी जाती फसल का अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो, और इसलिए जो ये प्राकृतिक आपदा आई ओले और बारिश से और तेज़ हवा से फसलें आड़ी हो गई, दाना पतला हो गया और ओले के कारण नुकसान हुआ, तो हम ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि मैं पहले किसान हूँ बाद में मंत्री हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी पहले किसान है बाद में मुख्यमंत्री है, और इसलिए हमको किसानों की समस्या अच्छी तरह पता है। और इसलिए किसानों की समस्या जो ये संकट है किसान का नहीं सरकार का है। सरकार अपने ऊपर लेती, किसान की एक एक पाई की क्षति की पूर्ति हम कराएंगे, और इसके लिए हमने निर्देश दे दिए तत्काल वीडियोग्राफी करके। किसान ये किसान है तो इनका नुकसान हुआ ये कहेंगे मेरा इतना नुकसान हुआ, तो पांच लोग साथ में जाएंगे, पटवारी जाएगा, कृषि विभाग के, वीडियोग्राफी करके सर्वे करेंगे, पंचनामा बनाएंगे, और उसके दस्तखत होंगे। पहले संतुष्ट होगा वो कि हाँ इतना नुकसान हुआ है, पांच लोग दस्तखत करेंगे, तब पटवारी और कृषि विभाग के करके पंचनामे, एक कॉपी पंचायत में देंगे, एक कॉपी है। तो इस प्रकार निष्पक्षता के साथ सर्वे किया, और जितने भी लोगों को नुकसान हुआ उन सब की पूर्ति सरकार करेगी। किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और एक महीने के अंदर, एक माह के अंदर, कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल इंदौर दौरे पर आए, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। साथ ही उन्होंने वायरल वीडियो मामले में चुप्पी तोड़ते हुए इस तरह की हरकत करने वालों पर मानहानि का मुकदमा लगाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।